साल 2018 तेलुगु सिनेमा में आई एक फिल्म ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिल्म का नाम था महानटी, यानी महान अभिनेत्री। पिक्चर बाजी विद प्रशांत में आज समीक्षा नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म महानटी की करेंगे। तेलुगु और तमिल दोनों ही भाषाओं में बनी ये बायोपिक कहानी है एक्ट्रेस सावित्री गणेशन की। वही सावित्री गणेशन जिन्होंने 50 के दशक से लेकर 70 के दशक तक दक्षिण भारतीय सिनेमा में वहां के दर्शकों के दिलों पर राज किया। समाज सेवा भी उनकी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत पहलू था। कहानी शुरू होती है सावित्री गणेशन के आखिरी दिनों से। एक दौर में महान अदाकारा रही सावित्री अब गुर्बत की जिंदगी में निढाल पड़ी है। आखिरी सांसें गिन रही अभिनेत्री की जिंदगी में प्रेस की दिलचस्पी जगती है क्योंकि वहां से मसाला मिलेगा। सावित्री की जिंदगी को कवर कर रहे पत्रकार मधुरा वाणी यानी समंथा किनिनी और फोटो जर्नलिस्ट विजय एंथनी यानी विजय देवरकोंडा उनकी जिंदगी को खंगालने निकलते हैं। फिल्म इन्हीं के जरिए आपको सावित्री की जिंदगी में लिए चलती है। साल 1942, पिता की मौत के बाद सावित्री की माँ बच्ची समेत अपनी बहन और जीजा के साथ रहने विजयवाड़ा के गांव में आती है। ड्रामा कंपनी में काम करने वाले उसके मौसा उसे नृत्य की शिक्षा दिलवाते हैं और बच्ची ड्रामा करने में इतना आनंद लेती है कि एक दिन पृथ्वीराज कपूर तक स्टेज से उसके काम की तारीफ करने लगते हैं। ये सपना उसे मद्रास फिल्म इंडस्ट्री की ओर खींच लाता है जहां उसकी मुलाकात होती है जेमिनी गणेशन यानी डुलकर सलमान से। कुछ अच्छे बुरे अनुभवों के बाद सावित्री को काम मिलना शुरू हो जाता है। तेलुगु बोलने वाली एक्ट्रेस तमिल बोलना सीख जाती है और इस तरह वो धीरे धीरे टॉप की एक्ट्रेस बन जाती है। लेकिन वो प्रेम में पड़ जाती है पहले से शादीशुदा और बच्चे के बाप जेमिनी गणेशन के। परिवार, इंडस्ट्री, हर तरफ से कई तरह की बातें होने लगती हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब सावित्री के हाथ से जिंदगी रेत के माफिक फिसलने लगती है। महानटी एक ऐसी फिल्म है जिसके क्राफ्ट पर बात होनी चाहिए। इसका एक एक फ्रेम जैसे कोई खूबसूरत पेंटिंग हो। छोटे बड़े हर रोल में कास्टिंग ऐसी की गई है कि उन किरदारों का आप पर जबरदस्त असर पड़ता है। 40 के दशक से लेकर 70 के दशक की यात्रा कहीं से भी बेयकीनी यानी कि अविश्वसनीय नहीं लगती। संगीत हो या टेक्निकल डिपार्टमेंट, कैमरा हो या म्यूजिक या फिर साउंड डिपार्टमेंट, सभी में फिल्म अच्छे नंबरों से पास होती है। यही वजह है कि दर्शकों का इस फिल्म में दिल सा लग जाता है। डायरेक्टर नाग अश्विन फिल्म को पेश करने के ढंग में कोई कमी नहीं छोड़ते। कहानी चूंकि सावित्री जी की असल जिंदगी पर है और उनकी जिंदगी के बारे में हिंदी दर्शक और खास तौर पे हिंदी समीक्षकों को ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए ये कहानी कितनी सही है, कितनी फिल्मी, ये कहा नहीं जा सकता। सावित्री के किरदार में कीर्ति सुरेश आप पर जादू सा कर देती हैं। श्रीदेवी के बाद कोई अभिनेत्री मैंने ऐसी देखी है जिसके नए नक्श भाव भंगिमाएं मन मोह लेते हैं। उनका काम वाकई अद्भुत है। दुलकर सलमान जेमिनी गणेशन के रोल में करिश्माई लगते हैं। जो गलतियां सावित्री ने निजी जिंदगी में जेमिनी के प्रेम में पड़कर की थी, वो गलतियां बतौर दर्शक उनका सम्मोहन देखकर आपको अपनी सी लगेंगी। समंथा की नैनी हो या विजय देवरकोंडा, सावित्री की कहानी के पैरेलल उनकी भी प्रेम कहानी चलती है जो बहुत ही यकीन वाली है और इस कहानी के समानांतर ये दूसरी कहानी इस फिल्म के उद्देश्य को सार्थक करते चलती है। सावित्री के मौसा केवी चौधरी के रोल में एक्टर राजेंद्र प्रसाद का काम बहुत बेजोड़ है। कुल मिलाकर महानटी सिनेमा देखने वालों की आंखों को एक नई दुनिया दिखाती है। अगर आप इंटरनेशनल फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने द आर्टिस्ट अगर देखी हो तो मैं महानटी को उस श्रेणी में रखना चाहूंगा। कमी की बात करूं तो एक वक्त के बाद ये रियलिटी का दामन छोड़कर फिल्मी हो जाती है। ढेर सारा मेलोड्रामा फिल्म के फील को खराब भी करता है और चूंकि ये सेकेंड हाफ में ज्यादा होता है तो फिल्म की पकड़ छूटती दिखती है।
मेरी ओर से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स।